गुरुजी, यह वीडियो सभी पुरुषों के लिए है। जिस तरह हमारे जीवन में माँ जरूरी है, उतने ही जरूरी पिता भी है। आज का वीडियो यह दर्शा रहा है। माँ की तपस्या 9 महीने की होती है, पर पिताजी की तपस्या 25 साल तक होती है। दोनों बराबर है, मगर फिर भी पता नहीं क्यों पिताजी पिछड़ रहे हैं। माँ परिवार के लिए भुगतान किए बिना काम करती है, पिताजी भी अपना सारा वेतन परिवार के लिए ही खर्च करते हैं। उनके दोनों के प्रयास बराबर हैं, फिर भी पता नहीं क्यों पिताजी पिछड़ रहे हैं। माँ आपको जो चाहे पकाती है, पिताजी भी आप जो भी चाहते हैं खरीद देते हैं। प्यार दोनों का बराबर है, लेकिन माँ का प्यार बेहतर है। पता नहीं क्यों पिताजी पिछड़ रहे हैं। जब आप फोन पर बातें करते हैं तो आप पहले माँ से बात करना चाहते हैं। अगर आपको कोई चोट लगी है तो आप माँ का रोना रोते हैं। आपको केवल पिताजी की याद होगी जब आपको उनकी आवश्यकता होगी। लेकिन पिताजी को कभी बुरा नहीं लगता कि आप उन्हें सदैव और हर बार याद नहीं करते। जब पीढ़ियों के लिए बच्चों से प्यार करने की बात आती है तो कोई यह नहीं जानता कि पिताजी क्यों पिछड़ रहे हैं। अलमारी में बच्चों के लिए रंगीन कपड़ों व साड़ियों और कई कपड़ों से भरी होंगी, लेकिन पिताजी के कपड़े बहुत कम हैं। वह अपनी ज़रूरतों के बारे में परवाह नहीं करते, फिर भी यह नहीं जानते कि पिताजी क्यों पिछड़ रहे हैं। माँ के पास सोने के कई गहने हैं, लेकिन पिताजी के पास केवल एक अंगूठी है जो उनकी शादी के दौरान दी गई थी। फिर भी माँ को कम आभूषण की शिकायत हो सकती है, पर पिताजी को नहीं। अभी भी नहीं पता कि पिताजी क्यों पिछड़ रहे हैं। परिवार की देखभाल करने के लिए पिताजी अपना सारा जीवन बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन जब मान्यता प्राप्त करने की बात आती है तो पता नहीं क्यों वह हमेशा पीछे रह जाते हैं। माँ कहती है हमें इस महीने कॉलेज ट्यूशन का भुगतान करने की आवश्यकता है, प्लीज़ त्यौहार के लिए मेरे लिए एक साड़ी न खरीदें। जबकि पिताजी ने अपने नए कपड़ों के बारे में तो कभी सोचा भी नहीं। दोनों का प्यार बराबर है, फिर भी पता नहीं क्यों पिताजी पिछड़ रहे हैं। जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे कहते हैं माँ घर के कामों में कम से कम मदद करती है, लेकिन वे कहते हैं पिताजी बेकार है, घर में फालतू पड़े रहते हैं। पिताजी पीछे हैं या सबसे पीछे, क्योंकि वह परिवार की रीढ़ है। उसकी वजह से हम अपने दम पर खड़े हो पा रहे हैं। शायद यही कारण है कि वह पिछड़ रहे हैं, क्योंकि रीढ़ ही शरीर को साधे रहती है मगर वो सबसे पीछे रहती है। यह वीडियो संसार के सभी सम्मानित पिता को समर्पित है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। सतनाम वाहेगुरु जी।